गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइज आज सुबह के बजे हैं 4:30 अभी, और हम उठ गए थे आज 2:30 बजे, और सर जी हमारे 3:30 बजे के उठे हुए हैं, रेडी हैं बिल्कुल। मैं भी नहा धोके बिल्कुल फिट हो गया, अभी नहाए नहीं है। हाँ गंदा गाइज, अभी इसको नहलाना हो रहा है। अब निकलने वाले हैं, अब हम यहाँ से, हम सोचे थे 4 बजे निकल लेंगे, 4:30 यहीं बज गए गाइज, 4:45 होने वाले हैं बल्कि। तो अब जल्दी से कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके निकला जाए यहाँ से। अभी हमारा रास्ते के लिए लंच तैयार हो रहा है, क्योंकि ये कह रहे थे मीठी पूरी बना के ले चलेंगे अपने लिए, रास्ते में सबसे बढ़िया लगती है मीठी पूरियाँ। तो मीठी पूरी बन गई हमारी, सब कुछ हो गया, अब रेडी हैं बिल्कुल, अब निकल रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी आपको दिखाई जाएगी, सब व्लॉग एक भी मिस नहीं करना है। हाँ ये हो सकता है कि भाई वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट सवेर हो सकता है व्लॉग, बट डेली व्लॉग कोशिश करूँगा आपके साथ डेली शेयर किया जाए, क्योंकि पहाड़ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है। नाश्ता पानी तो हो चुका है, सुबह सुबह कुछ नाश्ता तो होता नहीं, पर हाँ ये है पेट में कुछ डाल के चलो, एनर्जी बरकरार रहेगी। सो अभी रोहन भैया कर रहे हैं नाश्ता, इसका इंतजार है ये कर ले, और मैं गाड़ी में अपना रख लूँ सामान, हालांकि कल लगा दिया था, छोटा मोटा जो रह रहा ये सामान रखाता हूँ। गाइस अभी सारा परिवार आ चुका है गाड़ी में और चलने के लिए हैं तैयार बिल्कुल। बोल भोले शंकर की जय, बोल कैची धाम की जय। गाइस अब चल रहे हैं और दिखाएंगे आपको मस्त मस्त व्यू नज़ारे, पहाड़ों से सीधा लाइव दिखाएंगे, डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर होंगे, सो बने रहिएगा व्लॉग में। गाइस ब्रजघाट की तरफ से दिखा रहा है 6 घंटे का जाम, तो हमने अब सडनली रूट चेंज कर लिया है अपना, अब हम निकल रहे हैं मेरठ की तरफ से, मेरठ खतौली होते हुए, तो इधर से जाम नहीं है, उधर से हम टोल भी देते और जाम में भी फंसते, तगड़ा जाम लगा हुआ है ब्रजघाट में, तो अब यहाँ से निकलेंगे गाइस। इतना लंबा मैप बहुत लंबा जाम दिखा रहा है गाइस, देख के हालत खराब हो रही है। गाइस अभी चल रहे हैं हम मुरादनगर वाली नहर से, क्योंकि ये रोड थोड़ा शॉर्ट दिखा रहा था, इसमें भी जाम था बट इस पे थोड़ा और टाइम बचा रहा था। ये मस्त मौसम हो रहा, हमने शीशे उतार लिए, एसी कर दिया बंद। ये है नहर का व्यू गाइस, दिखाऊंगा मैं आपको 360 शॉट लूंगा यहाँ से, 360 से तो मस्त आएगा एकदम व्यू। सीट हो चुकी है चेंज, पापा गाड़ी चला रहे हैं, मैं साइड में आ गया क्योंकि 360 का शॉट लेना था, और हमारा एसी बिल्कुल ऐसी भाप छोड़ रहा है जैसे समझ लो कहीं आप ऊंचाई पे चले गए हो ना पहाड़ों पे। पसेव आ गया गाइस, ये देखो पूरा, और ये व्यू है बाहर का नजारे भाई। और रोहन भैया गाइस देखो क्या चीज लेके चले, ये कह रहे मैं ऐसे टूर पे जाऊंगा आंख बंद करके कुछ नहीं देखना। मंकी 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 मंकी, ओ भैया जी जय बजरंगबली बजरंगबली बजरंगबली। ये देखो गाइस मंकी, I don't wanna let you go।
मंकी से बात चल रही है गाइस, मंकी से बात चल रही है रोहन भैया की। तो कह रहा क्या है, कौन है ये? देखो नजारे गाइस, क्या मस्त नजारा नहर का। अभी पहुंच चुके हैं भोले की झाल। देखो नहर कितनी चौड़ी है, यहाँ पे बहुत चौड़ी नहर है गाइस। यहाँ बनती है बिजली, और बिजली घर था अभी पीछे, मैं कुछ काम कर रहा था, मैं दिखा नहीं पाया, इसी बीच निकल गई थी तेज में। जी हाँ, देखो कितनी चौड़ाई है नहर की गाइस। रोहन भैया पहुंच चुके हैं अपने पीछे बिस्तरे पे। सर जी गुड नाइट, अब आप सो जाओ। सबकी गुड मॉर्निंग हो रही है, सर सोने की फिराक में पीछे पहुँच चुके हैं। अच्छा कैरावन कैंपिंग, गाइस कैरावन कैंपिंग चल रही है। अब डिस्टर्ब नहीं करने के, हम आपको यहाँ पर हम करो गाइस। भोले की झाले यहाँ करके चले, जय भोले की। ये गाइस कावड़ मार्ग, जब कावड़ आती है तो सबसे ज्यादा कावड़िए इसी रूट से आते हैं, तो उस टाइम पे तो इसे बस कावड़ियों के लिए खोला जाता, वैसे ट्रैफिक सब बंद। गाइस अभी रुके हैं रास्ते में, थोड़ा सा इमरजेंसी वाला काम आ गया था रोहन भैया को, कहने लगे यार थोड़ी सी गाड़ी तो रोक लो, तो अभी इमरजेंसी चल रही है इनकी, फिर चलेंगे आगे। अभी तो हम नहर के रास्ते पे ही है गाइस, देखो नहर है पीछे, तो अभी इसी पे रूट पे चलना हमें खतौली तक। खतौली तक मतलब खतौली जाएंगे इसी रूट से, और खतौली से फिर देखेंगे कौन सा रास्ता है। किसी को जाना हो ना हरिद्वार तो बोट लो, और नहर के रास्ते सीधे हरिद्वार पहुंचो, हर की पैड़ी से सीधी आ रही है गाइस ये। है चंपक क्या हो, देखो गाइस अभी आपको दिखाता हूँ उधर से नहर, बड़ा खूबसूरत नजारा है, दिखाई भी रुका नहीं जाएगा मुझसे भी। देखो गाइस नहर, गाइस ये है खतौली मील। अभी हम खतौली फ्लाईओवर पे, ये रेलवे स्टेशन है खतौली का, और ये है खतौली मील। देखो ये चीनी मंडी है, इसमें से निकल ली है। और देखो ये बोरिंग पैक हो भी, वो ट्रक में लगा दी, ट्रक में लग गई, ट्रक में निकल गई चीनी निकल। गाइस देखो कितना बड़ा, वाकई में टेस्टी है बहुत। मुंह में आ ली चीनी गाइस, देखो टेस्टी बहुत है। हां ये तो है, टेस्टी है खतौली की चीनी। ये है पूरा मील गाइस, और ऊपर है चेन, कन्वेयर बेल्ट चल रही है, इस पर कुछ ना कुछ सामान जैसे शिफ्टिंग करते हैं ना बेल्ट के थ्रू, वो है ये ऊपर ऊपर। प्लांट तो इस तरफ है और आधा प्लांट इस तरफ है, तो कुछ सामान ट्रांसफर करना होता है तो ऊपर बेल्ट चला रखी है, उस पर डाल देते हैं, वो उस तरफ पहुंचा देता है। अभी हम हैं खतौली, और आगे आएगा मीरापुर, मीरापुर से बिजनौर, और फिर सीधा आगे आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे यहीं तक की अपडेट है, तो मैंने यहाँ तक की आपको शेयर कर दी, और इससे आगे फिर आपको अपडेट मिलेगी कहाँ जा रहे हैं हम, क्योंकि उसके बाद रूट डिसाइड होगा किधर से निकलना है। अभी तक बिजनौर तक का फाइनल है गाइस, बिजनौर रामराज मोहाना। चलो जी गाइस, पुलिस चौकी भैंसी, भैंसी की पुलिस चौकी। अभी है गंगा बैराज बिजनौर, यह है मध्य गंगा नहर हैंड रेगुलेटर, मतलब यहाँ पे बैराज बना हुआ, तो अभी यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं आपको। गंगा जी है यहाँ, अभी रोहन भैया आ रहे हैं गाड़ी में से उतर के, फिर उसके साथ दिखाएंगे आपको। इस तरफ देखो गाइस पीछे गंगा कितनी छोड़ी है, बैराज है पूरा। अभी चल रहा हूँ उस तरफ, अभी थोड़ा भोजन पानी ले रहे हैं अंदर, सेव चल रहे हैं उनके। आओ सर चले हैं उस तरफ दिखा के लाएंगे। हाँ कपड़े ना उतारने, अभी नहाना नहीं भैया, यहाँ भैया रुक जा गाइस, कपड़े उतारने लगा, चल रहे हैं उस तरफ, चलो आ जाओ हाथ पकड़ो गाइस। ये देखो गंगा जी बैराज है बिजनौर, ये बेटे पानी के वो हैं, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ पीछे, ये पानी के लिए हैं, पानी के बहाव अलग अलग करने को, थोड़ा डिवाइड करने को। ये देखो गाइस गंगा जी का कितना चौड़ा रूप है,
यहाँ अभी स्नान चल रहा। आपको भी नहाना गाइस? रोहन कह रहा है कि यहाँ नहाना है, तो यहाँ नहाने का तो सीन अभी कुछ हमारा है नहीं। ये देखो वैसे नहा तो रहे लोग इधर, बट अपना कोई प्रोग्राम नहीं है नहाने का। हाँ जी, कच्चा नहीं लाया तो कच्चे की जरूरत क्या आपको यार, ऐसी नालत तुम्हें कौन देख रहा। अब चलते हैं यहाँ से आगे, यहाँ शॉट भी ले लिए 360 के, आपके साथ शेयर करूँगा इसी व्लॉग में, और आगे चलते हैं अब। हाँ जी, हैं इसमें गाइस मुझे पता नहीं कितना गहरा, पर हाँ ये पता बहुत गहरी है। चल रहे हैं वापस, आप दिखाएंगे अगला स्पॉट कोई आएगा आपको रास्ते में, तो अब चलते हैं जल्दी से, यहाँ बहुत टाइम हो गया हमें। गाइस देखो भीड़ कितनी है यहाँ पे घाट पे, ये देखो कितनी भीड़ है गाइस। अभी यहाँ शायद आगे जाम भी है, जाम दिखा रहा था गाइस आगे मैं। हरिद्वार में क्या हालत होगी गाइस? अभी चल रही है यहाँ पूड़ा पार्टी, रोहन भैया के लिए घर से आए थे स्पेशल पूड़े बन के, तो पूड़े निकाल लिए, भूख लग रही थी थोड़ी थोड़ी। देखो पकौड़े मीठे पूड़े गाइस, ये मस्त लगते एकदम, बहुत टेस्टी। और अब कहीं देखेंगे आगे चल के तो मिलेगा हल्का फुल्का नाश्ता पानी करेंगे, मैं तो चबा रहा हूँ, बढ़िया मस्त खा रहे हैं। गाइस रोड देखो कितनी मस्त हो रही है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत रोड है, खाली एकदम ग्रीन ग्रीन। ये देखो गाइस, ये है अभी बिजनौर से निकले हम, तो अभी जाएंगे हम कालागढ़। प्लान में चेंजिंग होगी हमारे रस्ते में बदल दिया गाइस, रस्ते में प्लान बदल देते हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि अभी मुझे बिजनौर तक का पता, उसके आगे का पता नहीं, क्योंकि हमारा सीधा था नैनीताल या आगे जाने का, बट फिर प्लान में चेंज हुआ कि कालागढ़ चलते हैं, कालागढ़ का डैम देख के आएंगे, अगर टाइम मिलेगा तो डैम पे चलेंगे, अदरवाइज यहाँ पे रिश्तेदारी है तो उनके यहाँ चलेंगे पहले, उनसे मिल के तब आगे की तरफ चलेंगे। गाइज अब आ चुके हैं हम कालागढ़, ये है मुरली वाला जगह है गाइज, और यहाँ से देखो अभी मैं दिखा रहा था ना पहाड़ दिख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हमारी रिश्तेदारी है तो यहाँ रुकेंगे, आज का स्टे हमारा यहीं रहेगा, कल चलेंगे अगली मंजिल की तरफ। सो अभी जल्दी से पहुँचते हैं उनके घर, और हमारी मम्मी के मामा है रिश्तेदारी देखो कितनी लंबी है, हमारी मम्मी के मामा है, तो मेरे मामा के मामा। गाइज ये देखो, ये है पहाड़, क्या सुंदर नज़ारा है, ये खेत हो गए और ये रास्ता है, देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है, और यहाँ एसी की तो जरूरत ही नहीं है, गाड़ी हमने नॉर्मल एसी चला रखी है शीशे उतार के, तो देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो गाइज। ये है ऑफ रोडिंग का मजा, अभी यहाँ पे रोड बन रही है तो पत्थर बिछा रखे हैं पूरे, धीरे धीरे निकाल रहे हैं पहाड़ में। गाइस सामने पहाड़ है देखो, ये सामने घाटी में पहुंच गए गाइस, बिल्कुल गांव के नाम है मुरली वाला, गांव के सामने पहाड़ है और घाटी का नाम है मुरली वाला। अभी पहुंच चुके हैं यहाँ घर पे, तो बस आज यही रुकेंगे, यहाँ से निकलेंगे कल, और देखते हैं आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल डैम पे चलेंगे, आपको डैम दिखवाएंगे।
कालेगढ़ का। सो आज के इस व्लॉग को करते हैं पर एंड, मिलते हैं फिर कल नए व्लॉग में नई सुबह के साथ। बने रहिएगा, अब आएंगे मस्त मस्त लोग आपके साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।